ना कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग है मेरा, हम वो मशीन लेके आए थे ग्राइंडर, तो उसको आज हम नहीं, उसकी हम आज करेंगे अनबॉक्सिंग। तो उस पे हम मसाला ट्राई करके देखेंगे पीस के, तो करते हैं फिर हम अपने उसकी मशीन की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये मैंने अपने व्लॉग में दिखाई थी ना कि शॉपिंग करने गए हैं, तो वहाँ से ये आप खरीद सकते हो, सबको एडवाइस दे रही थी, तो मैंने खुद भी खरीदी है ये। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे कैसी है, पर ये तो कॉफ़ी पीसने के लिए है, पर हम अपना मसाला पीस के देखते हैं इसमें थोड़ा सा, अगर सही पीस गया तो देखते हैं फिर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम धीरे धीरे। कत्ता ना पार्ट चेंज करनी पड़ी तो चेंज, या अगर खराब निकली कुछ प्रॉब्लम हुई तो। ये है इसकी, अरे भगा गया क्या, ब्रश है साफ करने वाला, क्लीनिंग करने वाला। ये है ना, बालों पे कलर लगाना बालों पे कलर लगाने का नहीं है, साफ करने का है। इधर तो रख लो, पैकिंग अच्छी है, दिखाओ दिखाओ, शोमी शोमी। धोनी पड़ेगी इसको पहले ना, यूज करने से पहले वॉश कर लेते हैं। दिखाना अंदर से, ब्लेड पे हाथ मत लगा, कट जाएगा। तीखे नहीं ब्लेड, तीखे होते हैं ये। जो बीन कॉफी बीन्स पीस सकते हैं ना, प्रेशर ना पीने ना। हाँ तो प्रेशर ही है ना, ठीक है। हम इसको पीस के फिर आपको दिखाते हैं कि अगर ये कामयाब है नहीं है, मतलब ऐसा ही होना। अच्छा, अरे करंट वाला नहीं, वॉश तो करनी पड़ती है मिक्सी। नहीं नहीं होती है वॉश, मेंटल वॉश ऐसा है ब्रश। तो गाइज, अभी हम इसमें पीसने जा रहे हैं मसाला, जैसा कि मैंने बताया था कि हम वो कॉफ़ी तो पीसेंगे नहीं, पर अपना मसाला पीस के ट्राई कर लेते हैं कि इसमें दाल मसाले हम अपने पीस सकते हैं या नहीं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मशीन छोटी है और बढ़िया है, मतलब कि बड़ी वाली मशीन निकालने से काफ़ी उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और बड़ी भी होती है। तो ये हम ट्राई कर रहे हैं अभी इसको कि पीसती भी है नहीं पीसती सही से, हमारे मतलब कि है भी या नहीं है पास या फेल। लॉक लगेगा, लॉक लग गया। देखते हैं गाइस ट्राई करके कैसे पीसती है कैसे नहीं, ध्यान से करियो। चला कर ऊपर हाथ मत रखो, ये देखना ऐसे पीस रही है बढ़िया, कर तो सही रही है। बंद कर दो नहीं बेटा, बिजली इलेक्ट्रिक चीजों से दूर रहते हैं बच्चे, हट जाओ आप प्लीज। दिखाओ कैसे पीस रही है, अच्छा पीस रही है, बहुत बढ़िया। सीधा करना, बस ऐसे रहने दो, आप दिख रहा है निकू, मान जा, मजाक नहीं है ये। हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, काफी बारीक कर दिया। कई शोर भी कम कर रही है, नहीं तो मिक्सी का बहुत तेज शोर होता है इंडिया वाली मिक्सी। चल बंद करो, स्टॉप करो, स्टॉप चेक करते हैं, स्टॉप पहले तार निकालो, दिखाओ। काफी बढ़िया है गाइस, मसाला तो इसने बहुत ही अच्छा, तू पीने मसाला बेटा आपके मतलब का है भी ये। ये देखना गाइस कितना अच्छा मसाला पीस दिया है इसकी, वो गिरा दिया ना निकुश आपने, क्या कर रहे हो बेटा आप। देखना गाइस काफी अच्छा पीसा इसने। हाँ भाई, जो जर्मनी में रहते हैं उनको अगर चाहिए तो ला सकते हो, काफी अच्छी मशीन है मसाला वगैरह पीसने के लिए, गुड है, पास है। अब हम पूरा मसाला इसमें पीस लेंगे, और बस आप इसमें सिर्फ ड्राई चीजें ही पीस सकते हो, कहीं ऐसा नहीं है आप लिक्विड चीजें जो जैसे जिसमें पानी होता है या चटनी वटनी बनाने लग जाओ, वो नहीं है, उसके लिए नहीं है गाइस ये, चटनी के लिए नहीं है, लिक्विड कुछ नहीं है इसमें डलेगा, ओनली ड्राई चीजें जैसे कॉफी मसाला, कोई चावल पीसने हैं कुछ पीसना है, गीला कुछ नहीं डाल सकते हम इसमें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ मना है गीला चीजें, चटनी वटनी नहीं बनेगी, ओनली मसाले पीसेंगे। तो ये तो लगी है या मिक्सी बहुत ही जबरदस्त है गाइस सूखे मसाले पीसने के लिए ना, ये देखो कितना अच्छा पीस दिया है इसमें, बहुत ही अच्छा है।
देखना कुछ सेकंड में ही कर देती है मसाला और शोर भी नहीं करती। साइलेंट मोड पे, साइलेंट मोड पे काम करती है। तो गाइस वेदर देखना आज का, सडनली येलो येलो हो गया सारा, येलो येलो वेदर हो गया। येलो येलो हो गया ना सारा वेदर, है ना निकुश? येलो येलो। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग।